अब एक पैकिंग कर लिया इधर जो भी मेरे को चाहिए था। ठीक है, अयोध्या तक मैंने ट्रेन की टिकट ले ली 200। जोधपुर से वाराणसी जाने वाली ये मदुराई एक्सप्रेस में आया हूँ मैं। इधर रेलवे स्टेशन पूरा मंदिर के टाइप का बना रखा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी के टाइम हो रहा है 7:30 हो गए। आज मैं आपको कंप्लीट व्लॉग देने वाला हूँ जयपुर टू अयोध्या। कंप्लीट जर्नी होने वाली है एकदम लो बजट में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इसकी मत करना। अभी मैं जाने वाला हूँ 7:50 पे और अभी का टाइम हो रहा है 7:30। फिलहाल मैंने सारा पैकिंग कर लिया इधर जो भी मेरे को चाहिए था और टिफिन भी पैक कर लिया। ये फ़ोन भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दो फ़ोन चाहिए, एक में तो लोकेशन देखूंगा और एक में वीडियो बनाऊंगा, तो ये भी फ़ोन लेके जा रहा हूँ मैं। अभी आ गया मैं रेलवे स्टेशन, है भी मुझे छोड़ने आया था। ठीक है, ट्रेन भी आ गई है तो जल्दी से टिकट लेते हैं इधर से। टिकट भाई, अभी आ गया मैं ट्रेन में, इसका वेट कर रहा था, अभी एक मिनट के बाद में चलेगी। मौसम आज देखो पूरा धुंधला हो रहा है, आज कोहरा ही तो हो रहा चारों तरफ। रानौली से निकलते हैं और जयपुर की तरफ चलते हैं। गाइस मैं आ गया अभी डेर का बालाजी। जयपुर तो जाएगी नहीं है, सीकर से जयपुर जाने वाली नोकर ट्रेन जयपुर तक बंद कर दी है। डेर का बालाजी लास्ट स्टॉपेज है, सीकर से जयपुर जाने वाला है, तो मैं इधर से बाहर निकलता हूँ। गाइस मैं आ गया डेर का बालाजी के रेलवे स्टेशन की बाहर की तरफ और ई रिक्शा वाले चार्ज कर रहे हैं इधर से 30 रुपये। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है तो पैदल चल जाता हूँ, 3 किलोमीटर ही तो है, 3 किलोमीटर घूमना भी हो जाएगा और पैदल सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाएगी। गाइस फिलहाल तो मैं आ गया जयपुर के रेलवे स्टेशन पैदल चलते चलते, मतलब 1 घंटे के समथिंग हो गया था मुझे। ये रहा जयपुर रेलवे स्टेशन, काफ़ी ट्रैफिक है सुबह सुबह, सबके सब अपने काम पे जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पे तो जयपुर में तो हर बार ट्रैफिक ही रहता है। जयपुर रेलवे स्टेशन आने के बाद में आपको सामने की तरफ NRC बुकिंग कार्यालय दिखेगा, यहाँ से लोकल टिकट आपको मिल जाएगी इजीवली। टिकट ले ली, 235 रुपये लगे मेरे, और अब अंदर की तरफ चलते हैं, 1:40 की मेरी ट्रेन है। बैठ गया ट्रेन में, अभी का टाइम हो रहा है 1:36 हो गए, फिलहाल तो 1:40 पे चल जाएगी और सीट भी कंफर्टेबल तो नहीं मिली भैया, थोड़ी देर में उतर जाएंगे उसके बाद में कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी मेरे को। और मैंने सामान इधर रख ही दिया। सोजा मुन्ना सोजा, तेरी मम्मी आवेली दूध पड़ोड़ा ले आवेली। जोधपुर से वाराणसी जाने वाली ये मदुराई एक्सप्रेस में आया हूँ मैं अभी। ये इसका टाइम था 4:00 कुछ पे छोड़ने का, लेकिन अभी का टाइम हो रहा है आप देख सकते हो 7:41 पे छोड़ी है हमको अयोध्या, मतलब मेरे को अयोध्या छोड़ी है 7:41। तो इधर से बाहर की तरफ निकलता हूँ और आपको माहौल दिखाता हूँ। अभी कोहरा होने की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, वहाँ की माहौल काफ़ी शानदार है। ये मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरा मंदिर के टाइप का बना रखा है। स्टेशन का पहला नाम था फजियाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके 2018 में अयोध्या जंक्शन कर दिया। अभी का टाइम हो रहा है 8:00। फिलहाल तो बाहर की तरफ जाता हूँ, चाय वाय पीऊँगा पहले, उसके बाद मैं आपको ई रिक्शा की प्राइस बता देता हूँ किधर किधर छोड़ने की क्या क्या प्राइस है। भैया से मतलब भैया तो भैया एक चीज़ बताओगे, मतलब किधर इधर सारी जगह घूमने के कितने रुपये चार्ज करते हैं?
सारी जगह घूम रहे हैं। फिलहाल तो अब यही रिक्शा में आप 10-10 रुपए में घूम सकते हो जाके, और पैदल भी घूम सकते हो। मैं आपको पूरा पैदल जर्नी कराने वाला हूँ। इधर भैया की दुकान से चाय पीते हैं। गाइस फिलहाल तो चाय पी रहा हूँ, काफ़ी शानदार चाय है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर आओगे तो चाय की दुकान हम जाएगी। काफ़ी सारी चाय की दुकानें हैं, लेकिन ये चाय की दुकान बेस्ट है। चाय पी सकते हो इधर से। गुजराती धर्मशाला मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन के 5 मीटर की दूरी पर ही है गुजराती धर्मशाला। ये मैं अंदर की तरफ गुजराती धर्मशाला, और यहाँ पे आप रेट देख सकते हो, 24 घंटे के रेट है। धर्मशाला के अंदर की तरफ आओगे तो इधर भजन कीर्तन होते हैं। गाइस एक और धर्मशाला आपको मिल गई है, इसी रास्ते पे आपको मिलेगी। जब आप रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे की तरफ आते जाओगे ना, तो आपको काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाएगी। ये है श्री राम अतिथि भवन निवास। अंदर की तरफ चलते हैं गाइस। अभी चलते हैं धर्मशाला के अंदर और रूम दिखाते हैं आपको। अभी का टाइम पे धर्मशाला की रेट अलग अलग चल रही है, मतलब रूम की अलग अलग चल रही है। अभी चल रहा हूँ मैं सिंगल बेड का, सिंगल एंड डबल, 4 बेड है ये। ये देखो 4 बेड है, और आप कम से कम भी 10 से 12 जने आराम से सो सकते हो। 3 जने इस पे, 3 जने इस पे, और 2 10 से आराम से जने सो सकते हो। क्या रेट है इसका? 2000 रुपये। 2000 रुपये अटैच बाथरूम आपको मिल जाएगा। अटैच बाथरूम आपको दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन है अटैच बाथरूम की। क्लीन एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन, काफ़ी शानदार है। और आपको ये गीजर भी मिल जाएगा, गीजर भी होगा ना, गीजर भी मिल जाएगा। गर्म पानी का सुविधा सारी है, और फुहारे से नहाना चाहते हो फुहारे से सुविधा भी है। इसके 2000 रुपये लगेंगे। अंदर आपको मिल जाएंगे 400 से 500 रुपये के रेट में, लेकिन आप जनवरी में आओगे ना तो ये नहीं मिलेगा आपको, रेट अलग चेंज होगा, रेट इसकी चेंज अलग हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे सीजन का टाइम होगा। सीजन के टाइम पे 1500 से 2000 रुपये के समथिंग हो जाएगा एक रेट, एक रूम की वैल्यू। आपको 700 रुपये का अगर रूम चाहिए तो ये रूम आपको मिल जाएगा, सिंगल बेड का है और डबल बेड का है बोले तो, और इधर नीट एंड क्लीन आपको बाथरूम मिल जाएगा। गाइज अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज।